व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन एवं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड बनने के बाद व्यापारियों की बहुत सी समस्याएं हल हुई हैं। जब GST लागू हुआ तो उसे तमाम व्यापारियों ने स्वीकार किया, लेकिन इसके बाद उसमें कुछ खामियां भी थी जो व्यापारियों ने कल्याण बोर्ड के आगे रखी तो उन्हें सरकार के आगे MGST काउंसिल में रखा गया। इसका परिणाम ये रहा कि GST काउंसिल ने उन पर मंथन करने की उनकी मांगों को माना। काउंसिल ने 178 आइटमों पर GST में छूट दी गई। चेयरमैन ने कहा कि आने वाले समय में जो व्यापारियों की समस्याएं कल्याण बोर्ड के आगे आएंगी उनका समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में आने वाले समय में जिला स्तर पर भी व्यापार कल्याण बोर्ड की सलाहकार समितियां बनने जा रही हैं। व्यापारियों की मांग थी कि उनका सामूहिक बीमा हो, उस पर भी सरकार विचार कर रही है ताकि किसी भी व्यापारी की अगर दुकान मकान फैक्ट्री गोदाम में अगर कोई नुकसान होता हो तो सरकार उसका मुआवजा दे। अधिक टैक्स देने वाले व्यापारियों को भी सम्मान मिलेंगे। इस बात पर भी हरियाणा सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हरियाणा सरकार के इस व्यापार कल्याण बोर्ड का अनुसरण अन्य प्रांतों के मुख्यमंत्री भी करने जा रहे हैं। अब हम छत्तीसगढ़, गुजरात, UP के मुख्यमंत्रियों से मिलकर आए थे। इन प्रदेशों में भी हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर बोर्ड बनने जा रहा है। कैथल से नवीन मल्होत्रा, आजाद TV। GST में छूट दी गई, आने वाले समय में भी जैसे जैसे व्यापारियों की जो समस्याएं आएगी GST काउंसिल उन पर विचार कर उनका हल करेगी। हरियाणा में बहुत जल्दी ही जिला स्तर पर भी व्यापारी कल्याण बोर्ड की सलाहकार समितियां बनने जा रही हैं कि हरियाणा के तमाम व्यापारियों को भी उनका सामूहिक बीमा हो, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। इसके माध्यम से व्यापारी की बहुत समस्याएं हल होगी और इससे व्यापारी को बड़ा लाभ होगा। बहुत इससे रायते मिलने वाली हैं, क्योंकि जो व्यापार कल्याण क्रोश इसलिए बनाया गया है ताकि ये व्यापार के जो समस्याएं हैं सरकार द्वारा सरकार को पहुंचा सके, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा सके, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय सरकार को मोदी जी तक, प्रधानमंत्री तक और वित्त मंत्री तक पहुंचा सके ताकि व्यापारियों की जो समस्याएं हैं